प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हम प्रभु की प्रजा, उसके चारागाह की भेड़े हैं, आइए हम उसकी आराधना करें। अलेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। हम प्रभु की प्रजा, उसके चारागाह की भेड़े हैं, आइए हम उसकी आराधना करें। अलेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं, समुद्र और पृथ्वी, जल और थल, सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। हम प्रभु की प्रजा, उसके चारागाह की भेड़े हैं, आइए हम उसकी आराधना करें। अलेलुया। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। हम प्रभु की प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं, आइए हम उसकी आराधना करें। अलेलुया। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। हम प्रभु की प्रजा, उसके चारागाह की भेड़े हैं, आइए हम उसकी आराधना करें। अलेलुया। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे निवास स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। हम प्रभु की प्रजा, उसके चारागाह की भेड़े हैं, आइए हम उसकी आराधना करें। अलेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में, अब और अनंत काल तक, आमीन। हम प्रभु की प्रजा, उसके चारागाह की भेड़े हैं, आइए हम उसकी आराधना करें। अलेलुया। तूफान आने दे,
अग्रसूत्र। प्रभु को धन्य कहो क्योंकि उसका प्रेम अपार है। आलेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। इज़राइल का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हारून का घराना यह कहते जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों यह कहते जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु मेरे साथ है, वही मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूँ। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। सब राष्ट्रों ने मुझे घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार की घाट उतारा। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार की घाट उतारा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था, वे कांटों की आग की तरह शीघ्र ही बुझ गए। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार की घाट उतारा। वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, उसने मेरा उद्धार किया। धर्मियों के शिविर में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। प्रभु ने मुझे कड़ा दंड दिया, किंतु उसने मुझे मरने नहीं दिया। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दिए, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, इसमें धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोनों तक आगे बढ़ो। तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक रहेगी। आमीन। प्रभु को धन्य कहो क्योंकि उसका प्रेम अपार है। आलेलुया। अग्रसूत्र। आलेलुया। प्रभु की समस्त कृतियों, प्रभु को धन्य कहो। आलेलुया। हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर, तू धन्य है। सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च तेरा महिमान्वित पवित्र नाम धन्य है। सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च तू अपने महिमान्वित पवित्र मंदिर में धन्य है। सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है। सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च तू महागर्त की थाह लेता और कैरुबों पर विराजमान है। तू धन्य है। सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है। सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च प्रभु की समस्त कृतियों, प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो
और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक रहेगी। आमीन। अलेलुया। प्रभु की समस्त कृतियों, प्रभु को धन्य कहो। अलेलुया। अग्रसूत्र। सांस लेने वाले सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। अलेलुया। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो, तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक रहेगी। आमीन। सांस लेने वाले सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। अलेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ। दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरा सुसमाचार का विषय है। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे, यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे, यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेगा, यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लघु अनुवाक्य। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं और तेरे नाम की दुहाई देते हैं। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं और तेरे नाम की दुहाई देते हैं। हम तेरे आश्चर्यजनक कार्यों का बखान करते हैं। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं और तेरे नाम की दुहाई देते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं और तेरे नाम की दुहाई देते हैं। जाकरी गान अग्रसूत्र। यीशु ने लोगों को देखा और उन्हें उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह पड़े हुए थे। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपने प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बेरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में, अब और अनंत काल तक। यीशु ने लोगों को देखा और उन्हें उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह पड़े हुए थे। सामूहिक निवेदन। एकमात्र हमारे उद्धारकर्ता क्रिस्त यीशु द्वारा स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य युगों के पहले, अब और युग युगों तक हो। हे ईश्वर,
हम तुझे प्रभु मानकर तेरी स्तुति करते हैं। समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता, हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तेरी कृपा की जरूरत में पड़े पापी थे, किंतु तूने अब हमको बुलाया है ताकि हम तेरे ज्ञान और तेरी सेवा में जीवन जिए। हे ईश्वर, हम तुझे प्रभु मानकर तेरी स्तुति करते हैं। तेरे पुत्र ने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम उसके मार्ग से कभी विचलित न होवे, जो जीवन की ओर ले चलता है। हे ईश्वर, हम तुझे प्रभु मानकर तेरी स्तुति करते हैं। आज हम तेरे पुत्र का पुनरुत्थान मना रहे हैं। सुख और दुख में यह पुनरुत्थान हमें अपार आनंद पहुंचाए। हे ईश्वर, हम तुझे प्रभु मानकर तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, तेरी प्रशंसा करने तथा तुझसे प्रार्थना करने का हमें वरदान दे। हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद देते रहें। हे ईश्वर, हम तुझे प्रभु मानकर तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, तेरी सेवा में निरत हम पर दया दृष्टि डाल, और दयापूर्वक हम में तेरे कृपादानों की वृद्धि कर, जिससे विश्वास, भरोसे और प्रेम के सद्गुणों में सरगर्म और सजग रहते हुए हम तेरे आदेशों के पालन में स्थिर रहें। हम यहाँ निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु येसु क्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। क्रिस्त के शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद।